जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, और आज की क्लास डीआई की क्लास, जिसमें मैं आपके लिए पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो पाई चार्ट के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम लगाएंगे, और पिछली क्लास में भी हमने लगाए थे, तो आज की क्लास में फिर से लगाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए पाई चार्ट्स के लिए, और हमारे नोट्स को भी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आज का, ये आपके पास डाटा दिया गया है, और इस डाटा में जो है क्या क्या दिया है वो ध्यान से आपने सुनना है इस डाटा को। देखिए, नीचे दिए गए पाई चार्टों में एक संस्था ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, इसमें पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं, उनका अनुपात दिया है। ये अनुपात दिया है पुरुषों का और महिलाओं का, ठीक है। और सार में ही आपको इसके साथ इनका जो है वो दिया हुआ है टोटल परसेंटेज। तो दो प्रकार का आपके पास, एक तो रेशियो दिया है, दूसरा उनकी परसेंटेज दी गई है। तो हम इस क्वेश्चन में जो है वन बाय वन लगाएंगे। पहले टाइप को क्वेश्चन को पढ़िए कि लेखा विभाग कौन सा है, लेखा विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन्स इन द काउंटिंग डिपार्टमेंट। लेखा विभाग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्या बेटा, हाँ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो अब आपको महिलाओं की संख्या निकालनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो टोटल कर्मचारी ये दिए गए हैं, ठीक है, टोटल कर्मचारी ये दिए गए हैं, इसमें महिलाओं का विभाग टोटल और लेखा विभाग, तो लेखा विभाग है 8%। तो 4600 में से, ठीक है, ये हो जाएगा 4600 है, का जो है 4600 ये हो जाएगा, और इसका विभाग में 8% है, तो 8% का हो गया 8/100 हो गया। और उनकी रेशो क्या है महिलाओं की, लेखा विभाग की, देखो लेखा विभाग की रेशो ये दी हुई है, टोटल रेशो कितनी होगी बेटा 4, ठीक है। निकालनी किसकी है, महिलाओं की, इसलिए महिलाओं का 1:1 है और टोटल रेशियो कितनी है 4। क्लियर हुआ क्वेश्चन, 0 से 0 कट गए, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, और 46 दुनी कितने हो गए, 6 दुनी 12, 1 4 दुनी 8 और 1 9, 92 कितने हो जाएंगे, 92 जो है वो इसकी संख्या निकल जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो जल्दी से थम्स अप दिखाएं, वीडियो को लाइक भी करें, और साथ में बताएं कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, हर बार क्या करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आईटी और एचआर विभाग, दो विभाग है को मैं कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि दोनों विभागों की मैं कितने हैं। तो आप देखिए, आईटी विभाग में 26 हैं और एचआर में जो है 11 है, तो 26 और 11 कितने हो गए, 26:1, और ये टोटल रेशो निकाल लो कितनी होगी, 6 और 1 37, तो 37% लोग जो है वो इन दोनों विभागों में काम करते हैं, पर टोटल लोग जो है वो हमारे कितने हैं, 4600। तो मैं इसको यहां कर देता हूं, 4600 का आपने 37% निकाल लेना, कितना निकाल लेना है, 37%, 0 से 0 के। अब कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 46 को 37 से, कितना आएगा, 46 के 42,
28 हो गए, 18 ये हो गए, ठीक है। 8 8 16, 4 20, 2 2 4 और 1 कितने हो गए, 4 4 8, 8 8 16, 4 20 ठीक तो है, ठीक है। 2 2 4 और 1 5 कितने हो गए थे, 50, 5 0 ठीक है, और 4 3 12 और 12 5 17, तो कितने आ जाएंगे, 1702। देखिए इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो आंसर इज ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इससे मैच कहीं पे भी नहीं किया है। क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को, तो बताएं आप सभी ओके है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, जब क्वेश्चन नहीं आए तब बता दीजिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को अगेन दोबारा देख सकते हैं आप हमारी ऐप पे। मर्चेंडाइजिंग विभाग है, मैं कार्यरत महिलाओं की संख्या, संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मर्चेंडाइजिंग में कितने काम कर रहे हैं, 18%। मर्चेंडाइजिंग में कितने हैं, 18%, तो यानी कि 4600 में से 18% कौन है जो मर्चेंडाइजिंग में काम कर रहे हैं, और उसमें महिलाओं की संख्या संस्था के अनुपात, यानी कि ये है मर्चेंडाइजिंग का और इसमें महिलाओं का टोटल अनुपात देख लो 6 है, महिलाओं का अनुपात 1 है, तो गुणा 1/6 भी कर लेना है प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, 6 कम 6, 6 दिए 18 और 46 दिए 104 दिए 12 और 6 × 12 138, 6 दिए 18, हाँ 138 कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। और इन्होंने पूछा है कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, तो 138 बटा 4600 गुणा 100, बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं आप, तो दो जीरो से दोनों जीरो गए, 46 × 46 = 138, तो कितने आ गए, 3%, 3% ही आपका आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, सभी ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखें और इनको लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे जा रहा हूं, उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, अब उत्पादन उत्पादन है 15%, कितना है प्यारे बच्चों, 15%, ठीक है। और आगे पढ़िए, और विपणन विभाग में कार्यरत, विपणन कहां है, यह है 22%, और उनका अनुपात बताइए। अब इस क्वेश्चन में जो है सीधा अनुपात पूछा है, तो आप या संख्या निकालो तो अनुपात में निकालो, या आप डायरेक्ट अनुपात का ही अनुपात निकाल दो, यानी कि परसेंटेज का, जैसे कि उत्पादन दिया 15% रेशो 22%, तो डायरेक्ट भी हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना हो जाएगा, अच्छा दूसरी रेशो भी दी हुई है साथ में, करिए करिए ट्राई करिए, आप भी ट्राई करिए, पुरुषों का भी निकालना पड़ेगा या, तो आपका कितना हो गया, पहले पुरुषों का निकालिए एक बार, 4600 का कितना आएगा, 4600 का कितना है, पहले पुरुषों का उत्पादन, उत्पादन आया 15 और उत्पादन का कितना है, ये है टोटल रेशियो होगी 5, ठीक है जी,
और पुरुषों का पूछा है तो पुरुषों का हो गया तीन, तीन बटा पांच। ठीक है जी, अब कैलकुलेट करिए, जीरो से जीरो गया, पांच एक कम पांच, पांच दिए पंद्रह, तीन दिए नौ, छियालीस गुणा नौ करो, नौ छीके चरुंजा, पांच नौ चौके छत्तीस और पांच इकतालीस, चार सौ चौदह। अब क्या आपका भी चार सौ चौदह आया, जरूर बताना, देखना मैच करना। इसी प्रकार से छियालीस सौ का भी आपने क्या निकालना है, अब किसके लिए निकालना है, विपण विभाग में, विपण के कितने हैं, बाईस प्रतिशत, तो बाईस बटा सौ हो जाएगा। और यहां पर देखिए दूसरी साइड, विपण में कितने दिए हैं, एक एक, तो टोटल रेशियो होगी दो, ठीक है, तो गुणा एक बटा दो ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो गई और इससे ये आ गया तो ग्यारह ये आ गया, तो छियालीस को ग्यारह से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, छियालीस को ग्यारह से करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी करिए, पांच सौ छ, कितना हो गया जी, पांच सौ छ हो जाएगा। अब इसकी रेशियो पूछी गई है, ये आपस में आपको रेशियो की फॉर्म में जो है वो निकालने हैं, ठीक है, यानी कि चार सौ चौदह रेशियो पांच सौ छ, क्योंकि ये कट रहे हैं नाइन और इलेवन से, तो आंसर क्या आ जाएगा, नौ रेशो ग्यारह। तो ये आपका इसका हल रहेगा, नौ अनुपात ग्यारह। और ये अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप इसको ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस को देखिए, और एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ निकाल सकते हो डायरेक्ट और फिर कटिंग कर सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा जी, क्वेश्चन पे आराम से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब ये आपका आ जाता है डबल तो ध्यान से देखिएगा इसमें किस प्रकार से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, किस प्रकार से कवर करेंगे, तो वो ध्यान से आपने देखना है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखना है, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट में संगठन विभाग, संगठन विभाग के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का प्रतिशत बताया है, ठीक है, ये दो अलग अलग विभाग है, उनके अलग अलग की रेशियो दी हुई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से चलते हैं, कुछ होगा तो देखेंगे, ठीक है। पहला देखिए, रख रखाव तथा लेखा विभाग में कुल पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या इन दोनों विभागों के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये दो विभाग है, एक संगठन के हैं, क्या है, दो मिनट, एक संगठन में आ रहा है, एक पदोन्नत कर्मचारियों का आ रहा है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनका ये पूछा गया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और करने की कोशिश भी करिए। रख रखाव विभाग है, एक दस है और एक छियालीस है, सही है कि गलत है, ठीक है, ध्यान से देखिए, और लेखा विभाग भी है, ठीक है, तो इसका ही ले लेते हैं, छियालीस है और एक में लेखा विभाग कितना है, चौबीस है, इसमें बारह है, नहीं 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 नहीं, दोनों का क्यों लेना पड़ेगा भैया, ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखना है, पहले इस विभाग का टोटल कितना हुआ, इसका कितना हुआ, सत्तर, कितना हुआ, सत्तर, ये हो गया एक विभाग का, और इस विभाग का कितना हो गया, बाईस हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको पता हो, ये होना चाहिए कि इन विभागों में कुल कर्मचारी कितने प्रति कितने हैं, तो ये दिया हुआ है एन की वैल्यू, बहुत छुपा हुआ होता है,
तो आपने क्या करना है, 4200 का कितना बन रहा था, 22% निकालना है। कितना हुआ, 924। अब इन कर्मचारियों में से एक पदोन्नत हुए हैं, तो 924 का आप कितना प्रतिशत निकालोगे, 70%। बहुत ही बढ़िया, कैलकुलेट कर लीजिए, 7 से काटिए, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 18 वो आगे 1, 9 7 7 3 8 और 1 6 4 6 4 6 4 6 8 ठीक है। बताइए तो हमें जरूर, इसको भी रहने दो, इसमें पूछा क्या है, कितने संख्याओं में कितने प्रतिशत पूछा है, डायरेक्ट है, इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आगे के लिए, आगे के लिए जरूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है, परसेंटेज पूछी है ना क्वेश्चन में, देखिए आगे के बंदे थोड़ी पूछे है। ठीक है, आपने 924 बटा 70 और गुणा 100 कर लेना। क्या बोला इधर देखो, दोनों विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, का उल्टा नहीं लिख दिया, उल्टा लिख दिया यहां पे, 70/924 होगा, कितना होना था, 70/924 यूं होना था। टोटल कर्मचारी ये आगे जिसमें से 70% जो वो पदोन्नत हुए हैं उनकी परसेंटेज निकालनी थी। अब कर लीजिए कैलकुलेट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली बेटा कितना रहेगा, 7.575 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये यहां पर ए ऑप्शन जो है वो उठा सकते हो आप, ए ऑप्शन उठा सकते हो आप, ये आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हुआ, अगर क्लियर हो गया तो बता दे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है जी, अगला पार्ट देखिए इसका, एचआर विभाग देख लो ये है, ठीक है, और उधर भी होगा एचआर विभाग। मैं ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी पदोन्नति नहीं हुई का उत्पादन, विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी पदोन्नति नहीं हुई उनका अनुपात निकालना, दोनों की परसेंटेज वो निकालिए जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो 4200 में 1 का 18% है ये वाले, तो 4200 का 18% निकाल लो, 4200 का 18% निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से दोनों जीरो गई, 756 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद दूसरा विभाग देखो, 1 में 82% है, ठीक है, 82% नहीं है असल में, ये 82 जो है वो व्यक्तियों का है, परसेंटेज नहीं दी है, तो इसका मतलब इसमें से 756 व्यक्तियों में 82 वो एचआर विभाग वाले हैं, तो माइनस कर दो उसको, कितना आ जाएगा, 756 में से 82 माइनस कर दो, ठीक है जी, कितने रह गए, 674, कितने हो गए, 674, एक ही आ गया रेशो के लिए। इसी प्रकार से फिर से 4200 का अब 21% निकालो, क्योंकि उत्पादन विभाग पूछा है, 4200 का 21% कितना हुआ बेटा, 4200 का 21% कितना हो गया, 4200 का 21% कितने का हो जाएगा, 882, कितना आ रहा है, 882, 882
ठीक है। अब 48 देखिए उत्पादन विभाग में कितने हैं, 48 यहां पर पॉइंट है, वो भी इसी में काउंट है, इसलिए -48 कर लो, 834। तो ये अगला रेशियो निकल गया 834। अब इन दोनों को रेशियो में बदल दीजिए, काटम पिटी करनी है, रेशियो में आंसर सामने है, काटम पिटी करो और रेशियो में आंसर सामने है। काटिए वाला, दो से चलाएगा मेरे ख्याल से, दो तीय छह, दो तीय छह, दो सत्ते 14, 337 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में मेरे हिसाब से। एक और देख लेते हैं, दो चौके 8, दो एकम 2, दो सत्ते 14, 400 यहां बिल्कुल सही हो गया ना, सही आंसर। मैच हुआ कि नहीं हुआ, आंसर मैच होना जरूरी है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा भैया, क्वालिटी को थोड़ा सा ऊपर जूम मार दीजिए, बिल्कुल दिखेगा आपको, ठीक है। क्लियर हुआ है, ओके। अगला क्वेश्चन है इसी का ही, लगाए क्वेश्चन को, आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, आईटी डिपार्टमेंट में है, आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट में निकालना है, आईटी वाले कितने हैं भैया, 25% एक में है और वहां पर 78 बंदे अलग हैं। तो सबसे पहले 4200 का सीधा 25% निकालो, 25% कितना आ गया, 1050, 1050। इतने कर्मचारी जो हैं वो किसमें है, आईटी डिपार्टमेंट में, और इन्होंने पूछे क्या थे, कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट पूछा, डायरेक्ट आ करके आंसर आ चुका है, मगर यहां पे ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा, ई ऑप्शन जो है वो ही इसकी सही ऑप्शन गिनी जाएगी या मानी जाएगी, क्योंकि हमारा आंसर इससे मैच नहीं हो रहा है और लास्ट ऑप्शन ई है। तो ध्यान रखना कि कई बार नन ऑफ दीज भी ऑप्शन होती है, क्लियर है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है विपणन विभाग में पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या उस विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, बहुत ही सिंपल सवाल, ठीक है। विपणन विभाग देखिए, विपणन विभाग में कितना है, 1400%, तो आपने क्या करना है, 4200 का क्या ले लेना है, 14% ले लो, ले लो, ले लो भैया, लिख लो, कर लो खुद, करो करो, 4200 का 14% कितना आया, 588 कितना आ गया, 588। और इसके बाद क्या करना है, अब आपको पूछा है उस विभाग के, किस विभाग के, उसी विभाग के कितने थे विपणन विभाग में, 36, कितने थे, 36 थे, तो 36/588 गुणा 100 कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दो भैया, कैलकुलेशन करके बताओ, कैलकुलेशन करो अपने आप, कटिंग करनी है और कुछ नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन आ रही है 6%, तो 6% जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 6% सही आंसर होगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी, कौन सी ऑप्शन रहेगी सही, डी ऑप्शन प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये थे आज के सवाल जो कि डीआई से जुड़े हुए थे, महत्वपूर्ण प्रश्न, और भी लगाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और अपना खास ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपनी खास तैयारी रखिए, जय हिंद जय भारत।